नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गौरव चौधरी के बहुत ही फ्रेश कमाल एपिसोड में। और यहां पर दोस्तों आज जो वीडियो है ना, ये बहुत फ्रेश भी है और बहुत कमाल भी है, बिकॉज मेरे साथ हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा। और आपकी काफ़ी डिमांड रहती थी कि मैं बस एक वीडियो बना लूँ, आप सभी को जानना था और डॉक्टर बिंद्रा के बारे में। और मतलब आपने ऑलरेडी बहुत कुछ बताया है वीडियोज़ में, जहाँ पर अभी अगर आप गलती से यूट्यूब पर नहीं पहुँच पाए हैं अब तक, तो 7.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, और ऐसे में कुछ 400 मिलियन व्यूज हैं सर आपके वीडियोज़ पर। काफी वीडियोस तो इनफैक्ट मैं भी एंजॉय करता हूं, और मैं बहुत बार कहीं ऑफिस से घर निकल रहा हूं या मैं खाना खा रहा हूं तो आपकी वीडियोस देखता हूं, काफी एंजॉय करता हूं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। सर कहां से शुरू करें, जहां से आपको अच्छा लगे। गौरव, मैं बड़ा एक्साइटेड हूं आज आपसे मिलके, आपने बहुत कमाल किया है। हां, जो आपका तो पूरा धूम है टेक्नोलॉजी में, यूथ में, और आपका चैनल, तो दिस इज योर पर्सनल चैनल नाउ। जी सर, ये मेरा पर्सनल चैनल है, जहां पे अब टेक तो थोड़ा सा लगता है ना कभी कभी कि बोरिंग हो गया है, तो इसमें मतलब टेक के अलावा जो भी है वो सब हम यहाँ पे अगर देखें एकदम रिलैक्स माइंड से, तो लोगों को वो बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसे में बहुत डिमांड आपकी हमेशा से रही है, मैं जब भी मतलब दिल्ली आता हूँ, ऑलमोस्ट एक हफ्ते दो हफ्ते में दिल्ली आता रहता हूँ, और आप भी यहीं नज़दीक बेस्ड हैं, तो हमेशा डिमांड रहती है कि आप दिल्ली जाते हो लेकिन विवेक बिंद्रा से क्यों नहीं मिलते हो। थैंक यू, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अभी बस मौका मिला है, और अभी आज इस वीडियो में जो कंटेंट दोस्तों आपको मिलेगा ना, वो ऐसा मिलेगा जो आज से पहले नहीं मिला। देखते हैं कि मैं कितना डिग कर पाता हूँ यहाँ से, और क्या क्या जो सीक्रेट्स है वो बाहर निकलवा पाता हूँ। वाह क्या बात है। सर आपको कैसे इंट्रोड्यूस करूँ कि आप एक यूट्यूबर हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं? बिकॉज मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली, जो मेरा फीडबैक रहता है ना एज अ लेमैन, अगर मैं बात करता हूँ कि बहुत बार लगता है कि हाँ आपने बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए हैं, आपने जो है वो बहुत अच्छी अच्छी जो है वो वीडियोज़ बना दिए हैं, आप खुद ये सब क्यों नहीं करते? बहुत अच्छा है। लोग हमसे बहुत ये क्वेश्चन करते हैं कि आप इतना अच्छा यूट्यूब पे इतना बता देते हैं तो आप अपना बिजनेस क्यों नहीं करते हैं? देखिए, हमारा बिजनेस यही है कि हम लोगों को बिजनेस करने में मदद करें। आज बिग फोर कंसल्टिंग कंपनीज हैं पृथ्वी पे, जिनको हम बोलते हैं KPMG, इनको बोलते हैं अर्नस्ट एंड यंग, एक्सेंचर, प्राइस वाटरहाउस कूपर, ये सब बड़ी वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों को बिजनेस की इफेक्टिवनेस प्रोडक्टिविटी कराती हैं, तो ये उनका एक बिजनेस होता है। ऐसे ही ये लोग करते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के लिए, और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के लिए और लोग बहुत कर ही रहे थे। सबसे बड़ा जो गैप था ना, वो था एक जूस वाला, एक चाय वाला, एक आम आदमी, एक ऐसा आदमी जिसके पास वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो उनके लिए हमने वैसा ही बिजनेस शुरू किया, कंसल्टिंग। और साथ में हमने दुनिया के सारे या हमारे देश के सारे बड़े अरबपतियों को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए, और कंपनी का नाम बिल्ड किया BadaBusiness.com। और ये बड़ा बिजनेस आज विल बी सून अ $1 billion वेंचर, बहुत तेज़ ग्रो कर रहा है, लगभग 300% हमारी ग्रोथ हो रही है। आपने बिजनेस की बात करी तो मैं बताऊंगा, पिछले 2 साल में हमारे प्रॉफिट भी 38 गुना ग्रो किए हैं, स्केलेबल मॉडल बिल्ड किया है। तो जो जे कर्व आप बताते हैं लोगों की आपके बिजनेस में कैसे लेके आए, वो आप ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके लेके आ रहे हैं अपने बिजनेस में? नेचुरली जब दूसरों को सिखा रहे हैं तो बहुत सिंसियरिटी के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आपका ऑलरेडी काफ़ी शायद बढ़ चुका है। ऐसे में अगर बात करते हैं कि आप थोड़ा सा अगर पर्सनल लाइफ में हम जाते हैं कि आपका चाइल्डहुड की अगर हम बात करते हैं, या हम बात करते हैं आपकी स्टडीज़ की, तो अभी आप आई बिलीव अपने लास्ट वीक ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, आप 37 के हैं अभी, मैं 28 का होऊंगा अगले महीने, तो हमारे बीच में खैर काफ़ी गैप है, लेकिन आप अगर अपने पास को कुछ बताना चाहें कि मतलब कैसे ये सब शुरू हुआ, या आइडिया कहाँ से आया कि मैं ये चीज़ जो है वो लोगों तक पहुँचाऊँ? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, हमारे बीच में बहुत गैप है, और बहुत गैप ये है कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, अरे सर, और आपका नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है हमसे, बिल्कुल भी नहीं सर। और ये गैप सारा दुनिया जानती है, बड़ा अमेजिंग गैप है, और इस गैप के कारण मैं बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ आज खासतौर से आपसे मिलकर। तो देखिए, जर्नी जो ये हमने शुरू करी, मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने ज़्यादा पब्लिक में किसी को बताया नहीं, आज भी मैं अवॉइड करूँगा बहुत ज़्यादा बताना, पर फिर भी कुछ चीज़ें ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि आपने पूछा आपका ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, नहीं तो एक तकलीफ़ ये भी आ गई है कि आपने बताया मैं 37 टर्न किया, बहुत जगह पे मेरा जन्मदिन गलत बताया, लोगों ने गलत वीडियोस मेरे बना दिए हैं, और इतने गलत वीडियोस बना दिए हैं, किसी ने मेरा घर गलत दिखा दिया बायोग्राफी में, किसी ने इनकम गलत दिखा दी, गाड़ियां लोगों ने गलत दिखाई, और यहाँ तक तो कई लोगों ने मेरी वाइफ भी गलत दिखाई। वो ज़्यादा हो गया। कुछ लोगों ने तो अलग अलग वाइफ दिखा दी है, आई थिंक ये है विवेक बिंद्रा की वाइफ, ये है करके। सो आई थिंक पर्सनल लाइफ में कुछ लोग जानते हैं कि मेरे फादर का देहांत हो गया जब मैं 3 साल का था, और सर्कमस्टांसेज ऐसे रहे कि मेरी मदर का विवाह किसी और से हो गया था, तो मैं कभी दादाजी के पास रहा, ज़्यादातर समय अपने चाचा के पास रहा, कुछ समय अपनी बुआ के पास रहा, अलग अलग जगह पर रहा, कभी हॉस्टल में रहा, कभी दिल्ली में रहा। और नेचुरली जब पेरेंट्स नहीं होते हैं तो बचपन में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत से दोस्त ऐसे थे जिनके घर पर जब मैं जाके घंटी बजाता था कि आंटी सुमित है, अमित है, खेलना चाहता हूँ उसके साथ, तो वो भगा देते थे मेरे को, बोला ये ऐसे बच्चे के साथ हमारे बच्चे खेलेंगे तो हमारा बच्चा भी ख़राब हो जाएगा। तो बचपन में बड़ा अकेलापन रहता था, बहुत तकलीफ़ें थी उस समय, परंतु हुआ यही कि पढ़ाई के साथ साथ मैं थोड़ा स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान लगाया,
अभी तो वजन थोड़ा बढ़ा हुआ है, पर अगर आप उस समय देखें तो मैं नेशनल बेस्ट आउटस्टैंडिंग एथलीट रहा हूँ। लगभग 100 से ज़्यादा मेडल्स मुझको बचपन में मिल चुके हैं। और मुझे याद है मेरे चाचा का सबसे छोटा बेटा था, वो जब मैं मेडल इकट्ठे करके लाता था तो वो सबको बांटता था, तू भी ले तू भी ले तू भी ले करके इतने मेडल्स हो जाते थे। तो फुटबॉल में बेंट और थाई बॉक्सिंग में बेंटम वेट कैटेगरी, फेदर वेट कैटेगरी में मैं नेशनल्स तक लड़ा हूँ। स्पोर्ट्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है। मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर था, मिनी मैराथन, क्रॉस कंट्री, और बचपन में बहुत कुछ है। अब तो आगे मतलब ये मुझे मालूम है कि आपका बचपन लाइक बहुत टफ रहा, और ऐसे में ही शायद जब आप मुश्किलें देखते हो तभी आपको चीज़ों की असली वैल्यू समझ में आती है, और शायद तभी ऐसा हुआ कि आपने कोशिश की कि यही वैल्यू जो शायद आपने मिस करी या कहीं अगर कुछ कमी रही तो वो आप लोगों तक पहुँचा पाएँ और उनके लिए मुश्किल ना हो। देखिए, बहुत आपने अच्छी बात कही कि ना आजकल हर एक बच्चे को ना एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में स्ट्रगल से गुजरने देना चाहिए। जी, हर चीज़ बच्चों को इजीली नहीं देना चाहिए। आप जो मैं वैल्यू कर पाया या वैल्यू कर रहा हूँ जिसकी आपने बात करी, मैं बचपन में छोटे छोटे पार्ट टाइम बहुत काम किए, ट्यूशन पढ़ाने के काम किए, होम ट्यूशन ब्यूरो का काम किया, मैंने होम ट्यूशन सेंटर खोला था, एसेट लाइट जाना था मुझे, जो मैं एसेट लाइट लोगों को सिखाता हूँ, ऐसा एसेट लाइट जो होता है अपने वीडियो में, तो मेरे को ट्यूशन सेंटर खोलने का अरेंजमेंट नहीं था। तो मुझे याद है मैं उस समय ऐसा किया कि एक केबल टीवी चैनल वाला हमारे फूफा जी का दोस्त था, उनको बोला कि आप वहाँ पे ऐड लगा दो, ऑल ट्यूशन, ऑल सब्जेक्ट, ऑल क्लासेस। तो 2000 रुपये पे मैंने एक पार्ट टाइम के लिए एक लड़का रखा जो फ़ोन के पास बैठा रहता था और कॉल लेते थे। तो ट्यूशन सेंटर नहीं खोल सकते थे, फर्नीचर नहीं ले सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो उस समय नया नया होम ट्यूशन का कॉन्सेप्ट चालू हुआ था और हमने उसको बिल्ड किया। तो क्या हुआ, ट्यूटर से भी कमाई हो जाती थी, स्टूडेंट से भी होती थी, हमारा खर्चा निकलता था। पार्ट टाइम मैंने डिक्शनरी बेचने का बहुत काम किया और कई तरह के मैंने ऐसे काम किए जिससे मुझे काफ़ी स्ट्रगल तो रहा बहुत, पर उससे ना एक फेलियर को सहने की क्षमता और बढ़ती चली गई। और मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स में भी फेलियर को सहने की क्षमता बढ़ जाती है। जब आप मैच हार रहे होते हैं और जीते हुए हारे हुए मैच को अगर आप जीत जाएँ तो वो जो है ना बाउंस बैक की एबिलिटी जो आपकी बिल्ड होती है वो अंदर संस्कार में आ गई। पर स्ट्रेंथ ना यहाँ नहीं, मैं बोलूँगा कि यहीं से मिली मुझे, ये तो थी आउटर स्ट्रेंथ। जो इनर कोर की स्ट्रेंथ आई जिसके बारे में सब लोग जानते हैं पब्लिकली, पर जो नहीं जानते, अगर आप परमिशन दें तो मैं शेयर करता हूँ आपको कि भगवद गीता मुझको जब मिली थी 2004 10 जनवरी को, तब मेरा इंटीग्रेटेड एमबीए कर रहा था इंडिया में एमिटी कॉलेज से, और तब वो बीबीए और एमबीए मिला के पहली बार एक इंटीग्रेटेड एमबीए शुरू हुआ था, चार साल का। जी, सेंट जेवियर स्कूल से मैंने दिल्ली में पढ़ाई करी थी, राजनिवास मार्ग सिविल लाइन्स में। उसके बाद इंटीग्रेटेड एमबीए मैं कर रहा था, मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन बिजनेस स्कूल में एडमिशन हो गया था, लेकिन एजुकेशन लोन और वो पैसों की सुविधा ना होने के कारण मैं नहीं जाता था, क्योंकि गारंटर चाहिए, कोलैटरल सिक्योरिटी चाहिए, बैंक्स उस सेंटीमेंट पे आपको लोन्स नहीं देते। तो मैं और आगे नहीं पढ़ पाया, मैं रुक गया उसके बाद में यहीं पर ही। और एमबीए ख़त्म करते करते उसी समय मैं वृंदावन चला गया था। और ये मेरे पास्ट लाइफ के बारे में लोगों को नहीं मालूम, मैं लगभग 3.5-4 साल एक सन्यासी की तरह रहा था। तब मैं धोती कुर्ते में रहता था, हेड शेव कर लिया था, शिखा थी, भिक्षा मांगने का काम करता था, शास्त्र पढ़ता था, शास्त्रों का अध्ययन करता था, शास्त्रों पर चर्चा करता था, मंदिर में सेवा करना, उबली सब्जी खाना, ज़मीन पे सोना, झाड़ू पोछा लगाना, कपड़े बर्तन धोना, वो सब सेवा करना, मंदिर में रहना, आश्रम में रहना और शास्त्रों को पढ़ना। उससे बहुत अंदर बड़ी स्ट्रांग वैल्यूज़ बिल्ड हुई। बाद में गुरु जी का आदेश हुआ कि आपको भगवद गीता की इतनी समझ है, आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई करी है, बिज़नेस स्टडीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, उसमें इंटरेस्ट था, तो उन्होंने कहा आप भगवद गीता और बिज़नेस को जोड़िए और जाके लोगों की मदद करिए। जैसा गीता में कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो शायद आपने उस टाइम फिर वो जो कर्म है वो इंप्लीमेंट कर दिया। जी, इसको कहते हैं अंग्रेजी में एफर्ट विद वरी और एफर्ट विदाउट वरी। जब आप एफर्ट विदाउट वरी करते हैं, विद रिजल्ट और विदाउट रिजल्ट, वाओ, WOW, विद और विदाउट, तो जब वो वाला फोकस आ जाता है ना आपका और आपको रिजल्ट नहीं भी आता तो आप घबराते नहीं, बाउंस बैक नेचुरल हो जाता है। तो भगवद गीता बड़ा कोर रहा हमारे लिए। कई लोग कहते थे कि भगवद गीता धार्मिक है, विवेक बिंद्रा हिंदू धर्म का प्रचार करता है, ऐसा शुरू में बोलते थे, अब तो नहीं बोलते। मैंने आपके चैनल पे भी एक दो वीडियोस देखी हैं जहाँ पे आपने बोला है कि मतलब इनफैक्ट गीता को आपने एज अ गिफ्ट भी जो है वो बहुत बार रिकमेंड किया है आपके चैनल के ऊपर। मैं आपकी वीडियोस बहुत बहुत पहले से देख रहा हूँ इनफैक्ट, तो मुझे बहुत कुछ मालूम है। थैंक्स, बिल्कुल ठीक। इनफैक्ट अब तो पाकिस्तान के भी 4-5 लाख ऐसे लोग हैं जो रेगुलरली हमारे वीडियोज देख रहे हैं, हो सकता है अब 10 लाख हो गया वो नंबर, जो हमारे भगवद गीता के वीडियो देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। लोगों को अभी समझ में आ रहा है कि
भगवद्गीता को केवल धार्मिक किताब की तरह ना दिखा जाए। तो ऐसे ही यही था मेरे पास्ट की जर्नी में, तो हुआ बहुत कुछ, पर आज आपके साथ मौका लगा तो इतना आपने शेयर करा लिया हमसे। तो मैं आपको एक सेकंड के लिए यहाँ पे रुकूंगा, बिकॉज सी देखिए, आपने जो है वो बेस्ट पॉसिबल तरीके से मतलब अपनी जर्नी जो है वो कैसे आपने आगे लेके आए, तो ये मतलब अप्स एंड डाउन बहुत कुछ रहे। जब हम बात करते हैं यहाँ पे डिलीवर करने की, तो ये आप अगर चाहते थे तो ग्लोबल स्केल, इनफैक्ट आज भी आपका चैनल जो है वो ग्लोबली नंबर वन है, लेकिन अभी हम इंडिया में लिमिट कर रहे हैं अपना। कोई सवाल एक बार मतलब मेरे से भी लोग बहुत बार पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं फोकस किया यूएस मार्केट को या यूके मार्केट को, जहाँ पे शायद ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर हम बात करते हैं ये सब सर्विसेज देने की, तो आपने इंडिया को ही क्यों अपना कोर बनाया? बड़ा सिंपल है सर, ऐसा नहीं है, पहले हम नहीं कर रहे थे ऐसा, शुरू में थोड़ा टाइम हमने किया था जी, विदेशों में काफ़ी प्रोग्राम किया था, मैं लगभग कई देशों में ट्रैवल कर चुका हूँ। शुरू में मैं इंग्लिश में ही प्रोग्राम्स करता था, सारे कॉर्पोरेट्स में करता था। आज अगर आप देखें तो जो मोबाइल आपके व्यूअर्स यूज़ कर रहे हैं, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जो गाड़ी आप चलाते हैं, जो हवाई जहाज़ आप देखते हैं, जो सड़क पर साइकिल रिक्शा टेम्पो जो भी देखते हैं, कोई भी बड़ा ब्रांड है वो हमारा क्लाइंट है। देश के 1,500 से 2,000 बड़े कॉर्पोरेट्स हमारे क्लाइंट्स रह चुके हैं। पर इस दौरान मेरे को कंटिन्यूसली एक चुभन थी मन में कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंडन बिजनेस स्कूल नहीं जा सका, हार्वर्ड नहीं जा सका, वॉटन नहीं जा सका, स्टैनफोर्ड, एनसीईआरटी, ये सारे बेस्ट कॉलेजेस हैं पृथ्वी पे जी। और क्योंकि मैं नहीं जा सका क्योंकि मैं, मेरे पास वो सुविधा नहीं थी उस समय, और बहुत से लोग नहीं जा पाते, बहुत से लोग नहीं जा पाते जी, जी। तो जो ज़रूरत थी ना, वो ज़रूरत अमेरिकन्स को, यूरोपियंस को या टॉप कॉर्पोरेट्स को नहीं है हमारी, हमारी जो असली ज़रूरत है वो उसको है जिसका कोई ध्यान नहीं रखता। तो अब हम उसका ध्यान रखना चाहते हैं जिसका कोई ध्यान नहीं रखता, अब हम उस पर फोकस करना चाहते हैं जिस पर कोई फोकस नहीं करना चाहता। हालांकि सर कॉर्पोरेट में पेइंग कैपेसिटी अच्छी है जी। मैं आज आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, मैं वो ट्रेनर नहीं हूँ जो MLM से या कहीं से ऐसे ही उठ के आया, लोगों को हवा हवा में बोलना शुरू किया। हमने वो किया है, पहले बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को टर्न अराउंड किया। कॉर्पोरेट्स के साथ ट्रेनिंग करना बहुत आसान है गौरव भाई जी, मैं आपको पर्सनली आपको शेयर करता हूँ, आपको एग्जाम्पल बताएं तो मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ आपको। कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, जैसे मारुति, अपोलो, फोर्ड, रैम, बैक्सी, डाबर, हिंदुस्तान टाइम्स, स्टील अथॉरिटी, NTPC, ONGC, गेल, वेदांता, बेल, होंडा, आयशर, एस्कॉर्ट, इतने कंपनी के साथ हम काम करते थे, इतना देश तो मैं भी नहीं बोल पाता तो जब हम उनके साथ काम करते थे क्या होता है सर, देखो एम्प्लॉयज आए वहाँ पे, एम्प्लॉयज के लिए क्या है जी, आज छुट्टी हो गई है, ओए आज कोई ट्रेनिंग नहीं है जी, आज होटल में जाएंगे, खाना खा के आएंगे, ओए शाही पनीर, लच्छा परांठा, दाल मखनी, वो भी बोलते हैं डॉक्टर बिंद्रा क्या ट्रेनिंग आपने जो है ना, रघुपति राघव राजा राम जितनी तनखा उतना काम, भीड़ की तरह जाना है और बस उसका और वापस आ जाना है। जी जी, वो तो ये बोलते हैं सर टी ब्रेक के बाद घर निकल जाओ, शाम को जल्दी निकल जाओ, हम भी निकल जाएंगे, आप भी पिक्चर देखो, अटेंडेंस लग गई है, उनकी जेब से पैसा नहीं लग रहा एम्प्लॉयज़ की, तो उनको कोई परवाह नहीं है। सबसे मुश्किल ट्रेनिंग है उस एंटरप्रेन्योर की जो 2-5-10 हज़ार रुपये अपनी जेब से खर्च करके आ रहा है, उसको पूरा वैल्यू चाहिए। उसको अगर आपने वैल्यू नहीं दिया तो कल को यूट्यूब पे वीडियो बना देगा आपके खिलाफ, कल को इंस्टाग्राम पे डाल देगा, मेम्स बना देगा, आजकल तो क्या क्या होते हैं, टिकटॉक आ गया आजकल तो पीपल हैव क्रिएटिव वेज टू एक्सप्रेस देयर डिससैटिस्फैक्शन, ऐसे ऐसे क्रिएटिवली डिससैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करेंगे यूथ आपको। ऐसी अगर आपने ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व करी तो हम सोचते थे सबसे मुश्किल ऑडियंस है, क्योंकि जो अपनी जेब से पैसा देके आ रही है। कॉर्पोरेट में तो भाई मालिक ने पैसा दे दिया, एम्प्लॉय जाके अटेंड करे चले गए, मिला तो भी 5-star रेटिंग दे देंगे आपको, और 5-star रेटिंग इसलिए देंगे कि अगली बार इनको दोबारा बुलाओ, अगली बार हम दोबारा छुट्टी मारेंगे, दोबारा शाही पनीर, दोबारा शाही पनीर खाएंगे, होटल में जाएंगे, ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। लेकिन ये एंटरप्रेन्योर, देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहला एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ अपना, शुरू शुरू में मारुति का जी। मारुति में जब मैं गया था भगवद गीता का प्रोग्राम लेकर के, तब वो नई चीज़ थी, वो पहला क्लाइंट था आपके लिए, सबसे बड़ा पहला क्लाइंट था okay. पहले छोटे मोटे और सरकारी कंपनी से भी किया था जी. पर वो बड़ा पहला क्लाइंट ही मानूंगा मैं उसको, सबसे महत्वपूर्ण क्लाइंट था मेरा। तो मारुति में उस समय लगभग 50 ट्रेनिंग कंपनीज थी, 60 ट्रेनिंग कंपनीज थी जो रेगुलरली काम कर रही थी। 30 करोड़ का 25 करोड़ का उनका ट्रेनिंग बजट था उस समय पे, ये 2012-11 की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम तो मंदिर में ही रहा, संन्यास के जीवन में जी रहा था मैं बहुत टाइम, तो वो टाइम के बारे में लोगों को नहीं पता, मैंने पहली बार आपके चैनल से ब्रेक किया है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ के जो मजदूर वर्कर होते थे उनमें और मैनेजमेंट में इनकी यूनियन थी, और यूनियन उन पे दबाव डालती थी, तनख्वाह बढ़ाओ तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बीच में कुछ स्ट्राइक्स भी चल रही थी, स्ट्राइक्स भी चल रही थी, तकलीफें हो रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे मारुति में बहुत ज़्यादा। तो वो चाहते थे कि ये यूनियन और मैनेजमेंट मिल जाए साथ में। अब बड़ी बड़ी ट्रेनिंग कंपनी आई, एक गौरव जी को बताता हूँ, यूनियन उस समय वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिससैटिस्फाइड थी, इतनी डिससैटिस्फाइड थी कि उनका मन था कि मैनेजमेंट का मुंह तोड़ दो, मार दो, क्षमा चाहता हूँ कठोर शब्द है, पर वो इंस्टेंस सबको पता चले थे, देखे थे कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट से पब्लिक में आ गए थे, अखबारों में आ रहे थे। तो किसी ने आकर एक ट्रेनिंग कंपनी ने बोला इनको मोटिवेट कर दो, इनका मोटिवेशन नहीं है जी। अब अगर आप नेगेटिव आदमी को मोटिवेट करोगे तो उसकी नेगेटिविटी बढ़ जाएगी जी। अगर किसी आतंकवादी को
आप देखते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, उनको मोटिवेट कर दो तो आतंकवाद और फैलाएंगे। अगर किसी बंदर को मोटिवेट कर दो और छलांग मारेगा। मोटिवेशन वॉज नॉट द सोल्यूशन, सोल्यूशन वॉज द ओरिएंटेशन। उनके बिलीव्स ठीक करने थे पहले ऑर्गेनाइजेशन में, कि खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। मारुति कल को रोबोट ले आए, सारे के सारे मजदूरों की नौकरी गई। नजर ठीक हो सकती है, नजरिया ठीक करना जरूरी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी। तो हमने मारुति में फिर जब पहले क्वार्टर में मैंने ट्रेनिंग करी, तो पहले क्वार्टर में जब वो रिजल्ट अनाउंस हुए कि सारी ट्रेनिंग कंपनीज का, वो लोग असेसमेंट पब्लिक में दिखाते थे, बड़ी ट्रांसपेरेंट कंपनी है, तो पहली बारी में उन्होंने आकर के बताया कि इसकी रैंक आई है 10, टॉप 10 रैंक तक बताते थे, सबको हटाए थे बाकी, ये 10, 9, 8, 7, 6, 5। हमें लगा भाई टॉप 10, 9, 8, 7, 6, 5 में नहीं आए हम, तो अब और आगे कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने, मैं कहा कहीं फोर्थ रैंक ना हो हमारी, फोर्थ रैंक में भी नहीं थे हम, थर्ड में भी नहीं थे। तो अब हम बैठ गए चुपचाप, हमको लगा भाई अब हम तो नए हैं और ये लोग पुराने हैं, दिग्गज हैं, ये अच्छा करेंगे। सेकंड रैंक के बाद उन्होंने बोला इस दफ़ा जो फर्स्ट रैंक है मारुति के अंदर ट्रेनिंग परफॉर्मेंस में, वो एक ऐसे यंग लड़के की है जो कभी दिखाई नहीं किसी को, और 30 साल जिनका एक्सपीरियंस था उनको उसने पीछे किया, इसकी उम्र 30 साल नहीं है। और तभी उन्होंने बताया जो पहली रैंक है वो है विवेक बिंद्रा की, ये कोई नई ट्रेनर आए हैं। और तो लोगों ने पूछा हंगामा हो गया वहाँ पे, बोला आपने कैसे किया, मैं कहा मैंने भगवत गीता और बिजनेस को जोड़ दिया। वो कंटेंट किसी के पास था नहीं, लोग गूगल से कंटेंट चोरी करते थे, किसी ने बाहर कुछ बोला है, उसी चीज को कोशिश करते हैं इंप्लीमेंट यहाँ करने के, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा हर बार। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मारुति में फिर उनके सारे वर्कर्स को उनके गुड़गांव प्लांट में, मानेसर प्लांट में, कार प्लांट में, सब जगह हमने हजारों को ट्रेनिंग दिया। और वो दिन है, आज का दिन है, आज तक मारुति में कभी दोबारा झगड़ा नहीं हुआ। वो हर साल मुझको बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर का, हाईएस्ट रैंकिंग ट्रेनर के अवार्ड देते रहे। फिर तो उसके बाद दुबई में हमें वर्ल्ड लीडरशिप फेडरेशन ने थिंक टैंक ऑफ कॉर्पोरेट एशिया का अवार्ड दिया, हमें वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस ने बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर ऑफ एशिया का अवार्ड दिया। मैं अपनी तारीफ करने में समय आपके चैनल पे नहीं लूँगा, ज़्यादा फोकस मैं करूँगा कि ये सब हुआ इसलिए क्योंकि भगवत गीता इसका कोर था, और हम सोचते थे कि कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, और बाउंस बैक अंदर से जो डिज़ायर था वो बाय डिफॉल्ट था। हाँ जी, एब्सोल्युटली बाउंस बैक संस्कार में था। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ट्रेनिंग का कॉन्टेंट कैसे बनाया जाए, मैं कहा कॉन्टेंट पढ़ के नहीं बोलना, कॉन्टेंट रियलाइज करके बोलना है। जब आप कॉन्टेंट रियलाइज करके बोलते हैं, जब आप पढ़ के बोलते हैं ना, तो जब आप जबान से बोलेंगे कान को छुएगा, जब आप उसको बुद्धि लगा के बोलते हैं तो सामने वाले की बुद्धि को स्टिमुलेट कर देगा जी। और जब आप उसको पढ़ के जीवन में अप्लाई करके बोलते हैं, वो रियलाइजेशन ड्रिवन होता है, वो सामने वाले का हृदय परिवर्तित कर देता है, क्योंकि हृदय से हृदय को टच करता है जी। आपकी वीडियोस तो इनफैक्ट जब मैं भी एंजॉय करता हूं कभी, तो दिमाग में ये आता है कि अरे यार, मतलब ठीक है मैं इतने काम कर रहा हूं, लेकिन एक और कुछ शुरू कर देता हूं, तो वो हमेशा पॉजिटिविटी निकल जाती है। अब इतना टाइम कैसे निकाल लेते हैं, बस आपका खुद का शेड्यूल इतना टफ रहता है। क्रांतिकारी आपका चैनल, रोज 2 वीडियोस, मैं हैरान हो जाता हूँ देख करके, आप इतनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हैं। सर मैं बहुत बेसिक काम कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं सभी से सीखता हूँ, आज आपसे बहुत सीखने का मौका मिला, और आई एम श्योर कि जो व्यूअर्स हैं वो भी काफ़ी सीख रहे होंगे। यहाँ पे एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने बोला कि आप सभी जो बड़े कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं अभी, करंटली हाउ डू यू थिंक, लाइक अभी आप सबसे उसी फॉर्मेट में काम कर रहे हैं या फिर आपने कुछ इसमें चेंज किया है? बिकॉज आपका जो प्रोग्राम है लीडरशिप फनल, उसके बारे में मैंने काफ़ी सुना आपकी वीडियोज़ में, जहाँ पर आपका एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन होता है, लेकिन अभी आप इसमें कुछ और इसको मॉडिफाई करने का प्लान कर रहे हैं? लीडरशिप फनल हमारा एक पॉपुलर फ्लैगशिप प्रोग्राम था, लेकिन ना उसकी फीस ज़्यादा थी जी। उसकी फीस पर पार्टिसिपेंट थी 1,09,000 प्लस GST। पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था 12-15%, अभी 18% GST हो गया, तो 1,28,000 रुपये फीस हो गई उसकी। अब कोई आदमी ट्रैवल करके आता है, होटल में रुकता है, कहीं बाहर शहर से आता है, तो बेचारे का 1.5 लाख रुपये लग जाता है। तो अभी भी हमारे मन में ये तकलीफ थी कि ये आम आदमी तक नहीं पहुँच पा रहे हम, तो हमने लीडरशिप फनल बंद कर दिया। बाउंस बैक जिसमें 3-4-5 हज़ार रुपये हम लेते थे, 4 घंटे का प्रोग्राम था, वो भी बंद कर दिया। हमने एक प्रोग्राम बिल्ड किया एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। इस महीने के एंड में हमारी मोबाइल एप्लीकेशन आ रही है, अप्रैल एंड के अंदर, और ये मोबाइल एप्लीकेशन इतनी क्रांतिकारी होगी ना, जिसमें हम 750 रुपये महीने में और 1500 रुपये महीने में, खासतौर से स्टूडेंट्स जो हमारे प्रोग्राम में कभी नहीं आ पाते थे, प्री लॉन्च में देख रहा हूँ मैं भर भर के लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जी। इतनी तेज़ी से आ रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं सर। एक चीज़ तो ये है कि अकेला मैं नहीं सिखा रहा जी। जैसे मैं बताता हूँ आपको, नंबर 1 आरओ में है केंट जी। तो केंट आरओ के चेयरमैन हमारे साथ हैं। नंबर 1 मोबाइल में इंडिया में सेल्स में शाओमी, तो शाओमी के CEO हमारे साथ हैं। जिस भी इंडस्ट्री में जो भी नंबर 1 है, पैथोलॉजी के अंदर डॉक्टर लाल पाथ लैब है, ऐसे ही ऑटोमोबाइल के अंदर, सर्विस में, हर इंडस्ट्री में, मैं सबका नाम लूंगा बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा, लगभग 100 बड़े अरबपतियों को हमने अपने साथ ट्रेनर बना दिया इसमें। तो बेसिकली जिन लोगों के साथ या जिन कंपनी साथ में आप पहले काम करते थे, अभी वो आपके साथ में मिलके वो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे एक आम आदमी को, देखिए कॉलेज का चक्कर क्या है, मैं कॉलेज के, वाइल हैविंग डीप रिस्पेक्ट फॉर ऑल द कॉलेजेस, ये 20 लाख से 50 लाख रुपया ले लेते हैं MBA का, और सिखाता कौन है, जिसकी तनख्वाह है 25-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये वाला लेक्चरर प्रोफेसर जी।
तो उसको खुद के साथ बेचारे कितना स्ट्रगल है, कोई नौकरी नहीं मिली है, वो लेक्चरर प्रोफेसर बना हुआ है अभी और खुद अंदर से बड़ा स्ट्रगल कर रहा है। हार्श रियलिटी है। बच्चों के मन में एक्साइटमेंट नहीं आता, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाजार से खरीद के ले आते हैं। स्टूडेंट आज कॉर्पोरेट चाहता है एक बच्चा 5 का काम करे और बच्चा प्रोड्यूस हो रहा है कॉलेज से जो 5 मिलकर 1 का काम नहीं कर पा रहे। कॉर्पोरेट कैंपस में कुछ और चाहिए, कॉलेज कैंपस में कुछ और मिल रहा है, कॉलेज कैंपस और कॉर्पोरेट कैंपस मिल नहीं पा रहे। तो हमने सोचा इस सारे गैप को खत्म करने के लिए कोई भी इंजीनियर स्टूडेंट आज, कोई भी स्कूल का स्टूडेंट 9th, 10th, 11th, 12th का या फिर उसके बाद किसी भी स्ट्रीम का है, उसको अगर दो चीजें सीखनी है, एंटरप्रेन्योरशिप और कॉर्पोरेट लीडरशिप। जॉब करेगा तो कॉर्पोरेट लीडरशिप सीखनी है, बिजनेस करेगा तो एंटरप्रेन्योरशिप सीखनी है। तो हम उसको ऐसा कर दें कि एक आम आदमी उसको सीख सके एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। इसलिए मैं कहता हूं हम बॉस्टन के लिए कॉन्टेंट नहीं बना रहे, भागलपुर के लिए बना रहे हैं, हम पेरिस के लिए नहीं बना रहे, हम पीलीभीत के लिए बना रहे हैं। अब ये अगर हम ऐसा कॉन्टेंट दे सके और जिसमें कोई भी प्रॉब्लम हो बिजनेस की वो तुरंत उसको सॉल्व हो जाए, सबसे बड़ी चीज़ है सर। हमारा एक ही, जैसे मेरा लोग मुझसे पूछते हैं डॉक्टर बंदर आप क्या करते हैं, आज आप हमारे फार्म हाउस पर बैठे हैं, हम फार्म हाउस से मिल रहे हैं, मैं अपने ऑफिस नहीं जाता, मैं सेल्स नहीं देखता, ऑपरेशंस नहीं देखता, मैं फाइनेंस नहीं देखता, मैं एचआर नहीं देखता, मैं कोई डिपार्टमेंट नहीं देखता। आज सैकड़ों लोग हमारी कंपनी में काम करते हैं, मेरा काम है खाली प्रोडक्ट देखना, मैं खाली कंटेंट बनाता हूँ। और कभी गूगल से दुनिया में कॉपी नहीं किया हमने कंटेंट। कंटेंट बनाने में हम पूरी जान लगा देते हैं, हम सोचते हैं, हम एक ही काम करते हैं, कस्टमर सिग्नल देता है हमारी कंपनी प्रोडक्ट बना देती है, कस्टमर सिग्नल देता है मैं प्रोडक्ट बना देता हूँ, ये हमारा रूल है। कस्टमर मेरे को बस प्रॉब्लम बताया कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके बिजनेस में, हम उसका कॉन्टेंट बना के आपको सोल्यूशन देंगे। तो हमने क्लासरूम बेस्ड थियोरिटिकल कन्वेंशनल अप्रोच से बाहर निकाला अपने आपको, एक सीरियस प्रोग्राम बिल्ड किया। आज यूट्यूब चैनल पर एंटरटेनमेंट पर तो बहुत व्यूअर आते हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट पता क्यों करता हूँ बहुत ज़्यादा भाई, क्योंकि आप एक सीरियस कंटेंट देते हो फिर भी इतना ट्रैफिक बिल्ड कर लेते हो। थोड़ा हंसी मजाक चुटकुला टिकटॉक स्टाइल अगर आप वीडियो बना दो तो देखो नेचुरल ट्रैफिक आ जाएगा, वाइल हैविंग रिस्पेक्ट फॉर टिकटॉक ऑल्सो, वो नेचुरल ट्रैफिक आ जाएगा। लेकिन आपके जैसे चैनल पे जहां सीरियस कंटेंट है उतना ट्रैफिक आ रहा हो, इसके पीछे बहुत जान लगानी पड़ती है। तो वो सीरियस कंटेंट हम बिल्ड करना चाहते हैं जिससे लोग बस ये वीडियो देखें, सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाए और अचानक बिजनेस में जे कर्व ले आएं। क्यों नहीं वापस इंडिया को हम सोने की चिड़िया बना दें, क्यों नहीं वापस इंडिया को ऐसी पावरफुल कंट्री बनाएं कि यूरोप और यूएस से लोग यहाँ पे आकर के सीखें, कब तक हमारे लोग विदेश जाएंगे। और ये चीज़ ऐसी है जो पॉसिबल है, पॉसिबल है, ये मतलब पोटेंशियल जो हमारे देश का है, जो आज की डेट में यूथ मतलब बहुत कुछ कर सकता है प्रोवाइडेड उनको सही गाइडेंस मिले। 125 करोड़ लोगों की जनता है सर, 125 करोड़ की जनता, और यहाँ के एंटरप्रेन्योर आज Fortune 500 कंपनी में, दुनिया की 500 बड़ी कंपनी में इंडिया की केवल 7 हैं। और जबकि इंडिया की अगर आप बात करते हो पॉपुलेशन की या मतलब ओवरऑल अगर साइज की, तो पोटेंशियल है लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। मैसिव पोटेंशियल है इस समय, इंडिया इज अ यंग कंट्री, इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन 16 से लेके 26 साल के बीच में है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है यूथ की इंडिया में इस समय पृथ्वी के अंदर। और इतनी पॉपुलेटेड यूथ, अगर यूथ को सही डायरेक्शन दिया जाए, उनको अगर हम सोल्यूशंस निकाल के दे दें कि वो ग्रो कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। इसीलिए हम अपने कंपनी का नाम चेंज कर दिया, पहले शुरू में हमारी कंपनी का नाम था ग्लोबल एक्ट, ग्लोबल एक्ट मतलब ग्लोबल एकेडमी ऑफ कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग, अभी हमने उसे कर दिया BadaBusiness.com। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो बिजनेस नहीं है, वो बड़ा है। क्योंकि मेरी भी लाइफ में हमेशा अप्रोच ये रही है कि वाई टू लिमिट योरसेल्फ, अगर कुछ करना ही है तो बड़ा करो, अगर सोचना ही है तो बड़ा सोचो। तो यहाँ पे आई थिंक ये जो वर्ड है इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, बड़ा बिजनेस। और आज आपका इतना बड़ा चैनल है, क्या लगभग 125 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं आपके पास में, लाखों लोग आपके वीडियोस देखते हैं, तो मन तो करता है कि मैं आपको उत्तर दूं, बल्कि आपसे इतना पूछूं कि आपने इतना कैसे बिल्ड किया। अगर वो चाहिए तो बताओ फिर, कभी और वैसा भी होगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर बड़ा बिजनेस। और अगर मुझे कुछ बिहाइंड द सीन आप एक्सेस दे देंगे तो मेरे को काफी खुशी मिलेगी लॉन्च से पहले। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बिहाइंड द सीन पूरा एक्सेस देंगे, आपको हम ऐप दे देंगे, आपको हम, आप ऐप को यूज करके देखिएगा। और अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगे तभी अच्छा बोलिएगा, केवल अगर बहुत सिंसियरली जेन्युइनली अच्छा लगे। हमारे यहाँ हमारा एक रूल है हमारे बिजनेस में, 9.9 out of 10 को हम 0 out of 10 मानते हैं। आज मैंने इस पे काम रातों रात नहीं हुआ जी, इस पे सालों से काम चल रहा था इस कंटेंट को बिल्ड करने के लिए, पिछले 1 साल से तो हम एक्टिवली काम कर रहे हैं। बहुत चीज़ें हम रिजेक्ट कर चुके हैं, बहुत कंटेंट हम रिजेक्ट कर चुके हैं, कोई चीज़ हमारी ठीक नहीं लगती हम पूरा रिजेक्ट कर देते हैं, एनिमेशन पे समय लगाते हैं। 9.9 out of 10 का हमारी ऑफिस में मतलब है 0 out of 10, कमी कहाँ रह गई, कमी कहाँ रह गई, रहने नहीं देना चाहते हम। हर बार कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दूंगा, ऐसे खड़ा करते थे टीम को, हाँ जी मैं इतनी दूर आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं, और आगे जाने के लिए, कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दूंगा। अब पूरी टीम के अंदर ऐसा जज्बा है ना, आज आप हमारी टीम से मिलिए ऑफिस में आकर के, रात को 1-1, 2-2 बजे तक लोग काम करते हैं, उनको लगता है मिशन है, नोबडी फील्स कि मैं नौकरी कर रहा हूँ।
उनको लगता है नौकरी तो नौकर लोग करते हैं, हम तो ओनर्स हैं, हम बताते हैं इंट्राप्रेन्योर आपस में ऑफिस के अंदर। सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और अभी इससे पहले कि आपका एनर्जी लेवल और ज़्यादा जाए और उसको मैं बिल्कुल मैच ना कर पाऊँ, आई थिंक इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। और आई होप कि जो व्यूवर्स हैं आप सभी को काफ़ी डिटेल्स काफ़ी इंसाइट्स मिले होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप जानते हैं यूट्यूब पर बाय डिफॉल्ट चीज़ होती है जो आपका स्टाइल भी होता है, जो मेरा भी, जो हम सभी का होता है, कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अच्छी चीज़ें शेयर करने से बहुत अच्छा होता है। और साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, क्योंकि मेरा बटन ऊपर मिलेगा लेकिन उसके ठीक नीचे मिलेगा आपका लिंक, तो जाइए। अगर आपने अभी तक कुछ मिस किया है यूट्यूब पे तो वो है अच्छी वीडियोस इस तरफ से, जाके उनको भी देखिए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात है, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में फ्री में भी बहुत कंटेंट आपको मिलेगा। वो फ्री ऐप भी डाउनलोड करें और उसका एक रुपया भी मत पे करें तो भी चलेगा। वो फ्री ऐप डाउनलोड करें और अपनी ज़िंदगी बदलें, क्योंकि वहाँ फ्री कंटेंट भी इतना ज़्यादा है, मेरे सारे यूट्यूब के वीडियोज़ भी आपको मिलेंगे। और गौरव, योर एस्टाउंडिंग, एस्टॉनिशिंग, फैबुलस, फैंटाबुलस, सुपर हिट सर। थैंक यू। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ सुझाव हो तो अपने चैनल करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज बहुत बहुत बार लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।